ऑस्ट्रेलिया में आप पूरा दिन क्रीज पे खड़े रह सकते हैं, आप टिक सकते हैं। लेकिन सर इंग्लैंड में आप तो कभी 200 खेलने गेंदे खेलने के बाद भी आप सेट नहीं होते, तो वहां पर आपको थोड़ा सा, आपको लगता है पुजारा को, आप रहने को अपना थोड़ा गेम बदलना चाहिए, जिससे आप ठीक है आप 80 बॉले खेलें लेकिन आप कम से कम 30 रन तो बनाकर दे, क्योंकि आपको नहीं पता 81वीं गेंद पर आप आउट जरूर हो जाएंगे। लेकिन मेरी ये कहना है कि अगर आपने 80 81 85 गेंदे खेल दी तो आपने दूसरी तरफ से बॉलर को भी तो थका दिया ना, तो जो आपके बाद आएगा उसको फायदा मिल जाएगा, फायदा तो टीम को होना चाहिए ना। अब आप कह रहे हैं पुजारा को या रहाने को कि आप विराट या रोहित शर्मा की तरह खेलिए, आप 100 बॉले खेलिए तो 60 या 70 रन बना दीजिए, तो आप उल्टी तरफ से देखिए ना, क्या कभी रोहित और विराट पुजारा की तरह खेल सकते हैं, 200 बॉले खेले और 50 रन बनाए? नहीं खेल सकते। तो हर आदमी का, हर खिलाड़ी का अपना एक खेलने का ढंग है, और जब वो उस ढंग से खेलता है तभी वो सबसे ज्यादा फायदा अपने लिए और अपनी टीम के लिए करता है। तो सिर्फ रन बोर्ड पे लगना इज नॉट दी ओनली थिंग। जी हाँ, विराट खेलते हैं, रोहित खेलते हैं, ऋषभ पंत खेलते हैं, उनके खेलने का अपना एक स्टाइल है, अपना एक अंदाज है, लेकिन पुजारा जो करते हैं ना वो भी बहुत मायने रखता है। मुझे पता है कि जब एक तेज गेंदबाज गेंदबाजी करता, मैं अपने एक अच्छे स्पेल में शुरू हुआ हूं, मुझे शुरू में विकेट मिली है, मैं 5-6 ओवर का जो स्पेल इस वक्त करूंगा उसमें मैं 2 विकेट और लेना चाहूंगा। अब मेरे सामने पुजारा जैसा बैट्समैन आ जाए जो मेरे 5 ओवर बिना गेंद को खेले निकाल दे, अब मेरे को दोबारा दूसरे स्पेल में आने के लिए कप्तान पता नहीं 2 घंटे बाद बॉल दे या तीसरे सेशन में मेरे को बॉल दे, तो अगर पुजारा आउट भी हो जाएगा तो उसके बाद जो आने वाला बैट्समैन है वो भी मेरा स्पेल नहीं खेलेगा, क्योंकि मेरा स्पेल उसने खत्म कर दिया। ये टेस्ट क्रिकेट में फायदेमंद होता है। अगर पुजारा यही चीज व्हाइट बॉल क्रिकेट में करते तो मैं जरूर आपके साथ रहता, इसलिए उनको व्हाइट बॉल क्रिकेट में नहीं खिलाया जाता। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में पुजारा जैसे बैट्समैनों की भी बहुत जरूरत है, और सिर्फ एक मैच में ऐसी बात होती है तो हम डिस्कशन शुरू कर देते। अभी पूरा ऑस्ट्रेलिया दौरा, उससे पहले भी लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तब मैन ऑफ द सीरीज थे आपके पुजारा। सर 2018 में मैं बिल्कुल, मुझे पता है 18-19 में पुजारा ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे, 500 ज्यादा उनके रन थे, लेकिन सर पूरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 11-12-13 मैच जो इंडियन टीम ने खेले वहां पुजारा का जो परफॉर्मेंस है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, उनका जो औसत है वो भी 26-27 का। लेकिन सर 12-13 टेस्ट मैच खेलने के बाद अगर शतक नहीं आता, रन नहीं आते, तो सर कभी तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना कि आपने, भैया आप ठीक है 13 मैच खेल लीजिए, खेल लिए, अब आपसे रन नहीं बन रहे तो ठीक है हम अगले मैच में किसी और को लाते हैं, कुछ सर कुछ तो जवाबदेही होनी चाहिए ना सर। जवाबदेही हमेशा होनी चाहिए, आपका आपसे मैं बिल्कुल 100% आपके साथ हूं, लेकिन जवाबदेही की जब आप बात करते हैं ना तो जवाबदेही जो है वो सभी की होनी चाहिए। जवाबदेही में इशारा किसकी तरफ है सर? इशारा किसकी तरफ? मैं इशारा किसी की तरफ नहीं करता, मैं तो सिर्फ एक चीज कहता हूं कि जवाबदेही जो आप जब भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना कि जवाबदेही होनी चाहिए, मैं पूरी तरह से आपके साथ हूं, हर बंदे के साथ जवाबदेही होनी चाहिए, लेकिन वो जो है ना वो फिर सबके साथ रूल सेम रहना चाहिए, आप फिर रूल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप ओवरऑल परफॉर्मेंस और ओवरऑल रिकॉर्ड निकाल के देखते हो ना तो रिकॉर्ड तो कुछ और ही बयान करता है और हम बातों में और डिस्कशन में बात कुछ और करते हैं। क्योंकि सर मयंक अग्रवाल को भी तो 8 पारियों में या 7 पारियों में फ्लॉप होने के बाद आपने थैंक यू कर दिया था ना, मयंक अग्रवाल भी तो बाहर बैठे हैं सर। बिल्कुल, उनकी भी उनका भी दोबारा नंबर लगेगा, बाहर गए हैं लेकिन टीम के बाहर नहीं गए, वो टीम के साथ ही, उस वक्त उनके पैर ठीक नहीं चल रहे थे, ही वॉज लो ऑन। देखिए इस वक्त ये भी समझिए कि एक समय तब होता था कि जब फ्लॉप होने के बाद भी ज्यादा चांसेस मिलते थे क्योंकि पीछे कोई खड़ा नहीं होता था आपकी जगह लेने के लिए, अब तो ऐसा नहीं है, अब एक सीट छूटती है वहां 4 आदमी आपको दिख रहे हैं वो सीट भरने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे दूसरों को भी मौके मिलेंगे, लेकिन जरूरी ये है कि जब भी आप किसी को मौका दें तो उनसे उसके साथ नाइंसाफी ना करें कि एक आध मैच का मौका दिया, तलवार लटकी हुई है सर के ऊपर, तो होता पता क्या है फिर, जब आप खिलाड़ियों में ये भावना डाल देते हैं कि भाई आपको मौका मिला है, ये एक या दो ही मौके हैं, फिर वो खिलाड़ी अपने लिए खेलना शुरू कर देता है कि भैया ये 2 मौके हैं, टीम हारे जीते क्या फर्क पड़ता, मैं तो अपने 50 रन बना के अगला मैच देखूं ना। ये माहौल इस टीम से बाहर हुआ है और यही वजह है कि ये टीम जो है पिछले कुछ सालों में इतना अच्छा प्रदर्शन करके उसने ये मुकाम हासिल कर लिया है कि कभी भी किसी खिलाड़ी को अपने लिए खेलने के लिए उन्होंने मौका नहीं दिया, हमेशा आप टीम के लिए खेलते हैं।
मैदान पर जब विराट का बल्ला चलता है तो खबर बनती है, और क्रिकेट की हर खबर बताते हैं हम आपको इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर। तो जरूर करें सब्सक्राइब और भूलें ना बेल आइकन दबाना। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।